हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएम इंटर्नशिप स्कीम, यानी आप ये कह सकते हो पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024। ये क्या है, कैसे अप्लाई करना है, आखिर ये क्या है, कैसे आपको हर महीने 5,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, कैसे क्या करना है, हर एक बच्चे के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम, और इसके बारे में पिछले कुछ दिनों कई सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, कई सारे यूट्यूबर्स ने इस वीडियो को शेयर किया है और काफ़ी बच्चों की क्योरीज आई थी, सर आप एक वीडियो आप भी बना दीजिए, तो हम भी लेकर आ गए। तो एक्चुअली ये जो इंटर्नशिप है क्या है, तो एक्चुअली जो हमारे करंट के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने जो इनकी कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने प्रस्ताव पास किया था, उसमें ये कहा था कि ऐसे बच्चे जो बेरोज़गार हैं, ऐसे बच्चे जो कुछ सीखना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जो इंटर्नशिप के तहत कुछ सीखना चाहते हैं और उनको कुछ महीने में कुछ पैसे भी मिल जाए, उसके तहत इस स्कीम की डेट जो है वो अनाउंस की गई थी और इस स्कीम को तब लॉन्च किया गया था। और इसके तहत ये बोला गया था कि जो भारत सरकार की जो टॉप कंपनीज हैं, भारत के अंदर टॉप कंपनीज MNCs हैं, उनके अंदर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। पीएम इंटर्नशिप स्कीम या पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो और थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हो इसमें, आप पोर्टल पे आओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पीएम इंटर्नशिप ऑफर 12 मंथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया टॉप कंपनीज, यानी आपको 12 मंथ यानी एक साल का रियल लाइफ का एक्सपीरियंस मिलेगा टॉप कंपनीज के साथ। मंथली जो आपको पैसे दिए जाएंगे 4,500 रुपये गवर्नमेंट देगी और 500 रुपये जिस इंडस्ट्री में आप काम करोगे वो 500 रुपये आपको देगी, यानी पर मंथ आपको 5,000 रुपये मिलेंगे आपके अकाउंट में। ठीक है, वन टाइम ग्रांट ऑफ 6,000 रुपये इंसिडेंट, अच्छा मतलब पहली बार में आपको 6,000 रुपये तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, इंश्योरेंस कवर फॉर एवरी इंटर्न अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा। और रजिस्टर करने का जो लिंक है वो यहाँ पे दे दिया है इन्होंने, और मुझे लगता है लिंक अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, हो सकता है अभी शुरू नहीं हुआ हो, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, लिंक पे मैं दे दूंगा। तो थोड़ा इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो गाइडलाइन देख लेते हैं, गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है, गाइडलाइन पहले देख लेते हैं, खुल जाए तो बहुत बढ़िया है गाइडलाइन। अच्छा, PDDF डाउनलोड हो गई है, तो PDDF डाउनलोड हो गई है, मैं PDDF बाद में दिखाऊंगा, पहले कुछ और चीज़ देख लेते हैं, एक मिनट, पार्टनर कंपनीज, हाँ FAQs देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, PDDF डाउनलोड हो गया हमारे गाइडलाइन का, ठीक है, तो सारी PDDF ही डाल रखी है इन्होंने, तो कोई नहीं हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले हम गाइडलाइन देख लेते हैं, एक मिनट पहले हम गाइडलाइन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, हमने PDDF डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, गाइडलाइन हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, गाइडलाइन फॉर प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम पायलट प्रोजेक्ट है, अभी है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। ठीक है, इसके अंदर आपकी टॉप कंपनीज आएंगी। ठीक है, ये हमने देख लिया। अच्छा, 1.5 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ निकाली जाएगी हर ईयर। ठीक है, इंटर्नशिप ड्यूरेशन 12 मंथ की रहेगी, वर्किंग एक्सपीरियंस मिलेगा, जॉब इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, एंड नॉट इन द क्लासरूम में नहीं मिलेगा। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, कौन कौन एलिजिबल है। ऐसा स्टूडेंट जो जिसकी उम्र 21 से 24 साल तक की है वो बंदा इसके लिए एलिजिबल है। हु आर नॉट एम्प्लॉय फुल टाइम, आप कहीं जॉब नहीं करने चाहिए, मतलब आपका कहीं भी नौकरी नहीं होनी चाहिए, अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, नॉट एंगेज द फुल टाइम एजुकेशन कैंडिडेट एनरोल्ड ऑनलाइन। देखिए, कैंडिडेट एनरोल्ड इन ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, अगर आप ओपन से करें तो भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ठीक है, यानी एसएल वाले भी इसमें कर पाएंगे। ठीक है, और जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉई हैं वो नहीं कर पाएंगे, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर आपका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा हुआ है, कैंडिडेट हु हैव पास हाई स्कूल, जो 10वीं पास है वो भी एलिजिबल है, हायर सेकेंडरी स्कूल 12th पास है वो भी एलिजिबल है, ITI वाला भी अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा होल्डर भी कर सकता है, पॉलिटेक्निक भी कर सकता है, आर ग्रेजुएट विद डिग्रीज BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B फार्मा, इट्स आर एलिजिबल, ये सारे एलिजिबल है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट भी और ग्रेजुएट भी। ठीक है, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन एलिजिबल नहीं है, ग्रेजुएट फ्रॉम IIT वाले इन एलिजिबल है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कोई वकील वगैरह LLB कर रहा है वो इन एलिजिबल है,
है ना, सी ए सी एम ए सी एस करने वाले वो इनएलिजिबल है, मास्टर जिन्होंने कर रखा है वो भी इनएलिजिबल है। देखिए साफ साफ दिखा रहा है, एम बी ए मास्टर हायर डिग्रीज वो भी भूल जाइए। डूज अंडर गोइंग एनी स्किल, अगर आपको कोई भी स्किल आती है, स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, अगर कोई ऐसी स्किल आप सीख रहे हो गवर्नमेंट के तहत तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। डूज हु हैव कम्प्लीट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर नेशनल एंट्रेंस अच्छा ये भी एलिजिबल नहीं है, कहीं आप इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हो। इफ द इनकम ऑफ एनी ऑफ फैमिली मेंबर कैन एक्सेड 8 लाख, अच्छा 8 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए आपकी फैमिली की, अगर 8 लाख से ऊपर है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, इफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली परमानेंट रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर आपके फैमिली कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। नहीं, अच्छा खासा वेरिफिकेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नोट फॉर द पर्पस ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट, अभी पायलट प्रोजेक्ट है, अभी ये पूरा इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। फैमिली मीन्स सेल्फ पेरेंट्स स्पाउस, फैमिली का मतलब है मीन्स सेल्फ या खुद आपके माता पिता और आपके हस्बैंड वाइफ जो होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल स्टेट पीएसयू लोकल बॉडीज वगैरह। एम्प्लॉय मीन्स रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉय बट डूज नॉट इंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब नहीं करते बहुत सारे इन एलिजिबल है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर करते हैं वो एलिजिबल है। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर कंपनीज पार्टनर कंपनीज, अच्छा देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी कंपनीज रहेगी। टॉप 500 कंपनीज हैव बीन आइडेंटिफाइड मिनिस्ट्री ऑफ द बेसिस ऑफ देयर एवरेज CHSR, मतलब इनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें कंपनी है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, MCA है, कॉरपोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है ना। इन केस द पार्टनर कंपनी कैन नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन दिस ऑन कंपनीज में टाई अप विद, अगर कोई भी कंपनी आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं करती ऐसी कंडीशन में जो इनकी कंपनी होगी वो टाई अप कर लेगी। कंपनीज इन द फॉरवर्ड द बैकवर्ड सप्लाई चेन, ठीक है ये तो हमने देखा नहीं है। सपोर्ट एंड बेनिफिट DBT स्कीम के तहत आपको पेमेंट मिलेगा, मंथली असिस्टेंस जो मिलेगा इंटर्न का 5000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा 12 महीने तक। आउट ऑफ दिस एवरी मंथ द कंपनी बेस्ड ऑन द अटेंडेंस रिलेटेड कंपनी पॉलिसी, अच्छा अटेंडेंस आपकी लगेगी ठीक है वो तो पता है। इट्स विल रिलीज 500 रुपये आपको मिलेंगे और 4500 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, ग्रांट ऑफ 6000 रुपये तुरंत आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट बेनिफिट से। ट्रेनिंग कोर्स जो रहेगा CSR फंड के थ्रू आपकी कराई जाएगी। ठीक है, इंश्योरेंस कवरअप आपको मिलेगा है ना, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल है, आप वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर पाओगे। अभी वो आई थिंक मुझे लग रहा काम नहीं करा, चेक कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपकी बेसिक डिटेल है, अपने आपको रजिस्टर कर लेना, कोई भी इंटर्नशिप होगी आपको अपडेट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन, देखिए शॉर्ट लिस्टिंग आपकी होगी, देख बता रहे ना, देखिए शॉर्ट लिस्टिंग आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है, फिर आपको बुलाया जाएगा जिस भी कंपनी के थ्रू आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, तो 5000 रुपये मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है, जो भी इंटरेस्टेड है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, कोई भी इसमें कर सकता है, बट इतना याद रखना ये पढ़ निकाल लेना तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच।